हेलो जी, आज मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे दिल से बड़े करीब हैं, मेरे बड़े भाई जैसे ही हैं, बड़े भाई ही समझें, और एक बहुत ही मायनाज इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं। गर्दे सफ़र एक इन्होंने फिल्म बनाई जो कि हॉलीवुड वीनस समेत 18 इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स जीत चुकी है। मेरे साथ मौजूद हैं कफ़ील अहमद साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। कफील भाई, क्या चल रहा है आजकल? मैं तो पहले आपकी शर्ट देख रहा हूँ, इस पे क्या चल रहा है? आप, मुझे लग रहा है आप बोल टीवी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं। नहीं, ये है बोल के लब आजाद हैं तेरे। आप भी क्या पीटीआई ज्वाइन कर लिया? नहीं नहीं, ज्वाइन नहीं की मैं। ये देखें, ये इस पॉडकास्ट की या इसको जो भी आप बोलें, इसमें मैं आजादी से बोलूंगा और आप भी आजादी से बोल सकते हैं। हम तो आजाद हैं। हाँ, आजाद मुल्क में पैदा हुए हैं और आजाद ही मरेंगे। जो बात है, जो आजादी मार्च, अल्लाह आपको जाना आपने भी अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता करे। तो कफील भाई, एक हमारे टाइम पे एक स्टीरियोटाइपिकल सोच रही है फैमिलीज की कि आप भी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं। मेरा भी ताल्लुक सॉर्ट ऑफ उसी फील्ड से ही है, फैशन फोटोग्राफी, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ फिल्म मेकिंग में आने की। कर रहा हूँ, कुछ शॉर्ट फिल्म बनाई भी हैं, अवार्ड नहीं जीत पाया, लेकिन वो एक स्टीरियोटाइपिकल एक सोच रही थी एक टाइम पे कि नहीं, मीडिया साइंसेस करोगे, वहाँ का क्या आप करोगे, इंजीनियरिंग कर लो, सीए कर लो, एमबीबीएस कर लो, मतलब इस तरह की वही मेन स्ट्रीम फील्ड्स। लेकिन उसमें फिर आप जैसा बंदा उसी जनरेशन का मीडिया स्टडीज़ में जाता है, मेरे जैसा बंदा भी जाता है, और माशाल्लाह आप जैसे मैंने जिक्र किया कि 18 फिल्म अवार्ड्स आपने और फिर हॉलीवुड वीनस अवार्ड भी जीत लिया, क्या टेक है आपकी इस पे? टेक तो मैं बहुत लोगों की कर चुका हूँ इस चीज़ पे। अच्छा, बेसिकली असल में देखें, हमारे जो पेरेंट्स हो गए चाहिए जितने भी, क्योंकि उस टाइम पे जब वो लोग एजुकेशन कर रहे थे ना अपनी, उस टाइम ये सब था नहीं। मीडिया तो उस टाइम भी था, प्रेस मीडिया था, अखबार थे, मैगजीन्स थे, चैनल इतने ज़्यादा थे नहीं, एक चैनल दो चैनल थे। तो इस तरफ जो है ना, लोगों की इतनी ज़्यादा रुझान नहीं था, तवज्जा नहीं थी कि यार इसमें भी एक पढ़ाई हो सकती है। अच्छा, पहले तो मेरे ख्याल से 80% लोग इसको पढ़ाई नहीं मानते, आज भी नहीं मानते कफील। हाँ, भाई पढ़ाई, तुम तो इंजॉय कर रहे हो, जिंदगी इंजॉय कर रहे हो, हमें पता होता है, हमारे घर वालों को पता होता है, हम चार चार दिन घर नहीं आते। जो बात है सही है, ये पढ़ाई है, ये मेहनत है। एमबीबीएस वाला बंदा कम से कम अपने घर पर पढ़ता है, हम अपने घर पर नहीं पढ़ते। बिल्कुल। अच्छा, मैं बात दोबारा वहाँ लेके जाता हूँ कि लोगों को जो पुरानी जनरेशन थी ना, हमसे पहले वाली, एग्जैक्ट पहले वाली जो जनरेशन, बिल्कुल, उनको जो है ना चार फील्ड्स पता है, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटर साइंस या अब्बा का कारोबार। ये पांच हो गई हैं। अब्बा का कारोबार जो है ना सबसे पहले, फिर बाकी। बिल्कुल। मैं इस चीज़ में बड़ा खुशकिस्मत हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है, मुझे कभी मना नहीं करा। मैंने बोला यार मुझे कंप्यूटर कोर्स करना है, करवा दिया। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स करना है, करवा दिया। ये मुझे सिर्फ देख देख के इंस्पिरेशन ले ले के, मेरे पास एक दिमाग में एक कीड़ा चलता था यार, मैं बिलबोर्ड देख रहा हूँ तो ये बना हुआ कैसे, कार्टून देख रहा हूँ तो ये बना हुआ कैसे, ये वाला सीन था। तो फिर मैं आया, मेरा ग्रेजुएशन हो गई, इंटरमीडिएट हो गया। इंटरमीडिएट हुआ, मैं यार क्या फील्ड चूज़ करें, क्या करें, एक साल मैंने वेस्ट करा है सिर्फ सोचने में, क्योंकि मैंने ज़बरदस्ती जो है इंजीनियरिंग से करा था इंटरमीडिएट। मुझे बिल्कुल भी इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, मैं वही वाला था, फरहान था ना CDET में, अब्बा वाला, कि मैं इंजीनियर बन गया तो बहुत बुरा इंजीनियर बनूंगा, मुझे कुत्ते बिल्लियों की तस्वीरें लेनी है। तो बस मुझे वही था, मुझे भी कुत्ते बिल्लियों की तस्वीरें लेनी थी। ठीक है, खैर, तो अब जो है मैंने बड़े रिसर्च किया, मैंने एक इंस्टीट्यूट से ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ा, वहाँ मुझे थोड़ा सा स्कोप मिला, वहाँ मुझे थोड़ा सा एजुकेशन मिली इस बारे में कि यार मीडिया स्टडीज़ एक फील्ड है जहाँ पे फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी, वीडियो एडिट, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि हम टीवी पे ड्रामे और ये सारी चीज़ें देखते हैं। और जी जी, देख ले, मैं कंटिन्यू कर लूँगा यहाँ से। अच्छा, कफील भाई का फ़ोन बजना शुरू हो गया था, फ़ोन वहाँ पलंग पे रखा था, और हमारा भी आईफोन है, अरीब भाई भी मौजूद हैं और कफील भाई भी मौजूद हैं, तीनों के आईफोन है। अब समझ नहीं आ रहा था फ़ोन बज किसका रहा है। हम तीनों गरीब हाँ, तीनों गरीब हैं।
और तीनों ये कह रहे थे 13 बज रहा है 13 बज रहा है कपिल भाई का बज रहा था, लेकिन अब हम वहीं से दोबारा, इम्पोर्टेंट थी, हेड ऑफिस से फोन, हेड ऑफिस से फोन था, अब आप समझ जाएं हेड ऑफिस से फोन था तो लेना जरूरी था। तो कपिल भाई क्या बात कर रहे थे? अच्छा मैं ये कह रहा था कि ना हम टीवी पे हमारी फैमिली हम बचपन से देख रहे हैं ड्रामे फिल्में इस तरह की चीजें जो हैं देख रहे होते हैं, अब देखने वाले को जो है ना पता नहीं होता इतने आराम से कि यार ये बना कैसे, यार कैमरा लगाया शूट हो गया, अभी ये शूट करने में भी हमें 1 घंटा लगा, बिल्कुल कम से कम इसको सेट करने में 1 घंटा लगा, बिल्कुल लगा सही है। तो अब वो मुझे वहां जाके पता चला यार लाइट्स भी होती हैं इसमें, क्रू होता है, एक ड्रामा अगर शूट हो रहा है या एक शॉर्ट फिल्म शूट हो रही है या एक छोटा सा कमर्शियल शूट हो रहा है 30 सेकंड का जो हम देखते हैं टीवी पे, इसके अंदर 4-4 दिन 5-5 दिन की 24 घंटे की मेहनत होती है, इस पे अच्छा खासा एक बजट इन्वेस्ट हुआ होता है, मैन पावर होती है, स्किल्स होते हैं सबसे, क्रिएटिविटी बहुत। अब वो स्किल जो है इंजीनियरिंग वाले बंदे को तो नहीं आती ना, MBBS वाले बंदे को आती, ये एक मीडिया साइंस पढ़ा हुआ बंदा या जो मीडिया के अंदर ट्रेन हुआ हुआ बंदा है उसको आती है। तो मैंने अपने घर वालों से बात करी, पहले तो उनको भी इतना नहीं पता था मीडिया साइंस का स्टार्टिंग में कि क्या है क्या नहीं है, और मुझे भी बिल्कुल सच बात बताऊँ तो नहीं पता था। खैर हमने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, वहाँ गए हम लोग, थोड़ा सा सीखने को मिला, चीज़ें मिली, इंटरेस्ट आया, मज़ा आया काम करने में, पढ़ने में मज़ा आने लगा। फिर हमने असाइनमेंट्स मिले, अब हमें असाइनमेंट्स ऐसे मिलते थे कि हम रात भर भी बाहर हैं दिन भर भी बाहर हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं फिर दोस्तों की कंबाइन स्टडी के लिए जा रहे हैं, कुछ शूट करने जा रहे हैं, हमारे दोस्त हमारे रिश्तेदार बोलते थे यार तेरे सही मज़े हैं तू तो भाई, हम तो यहाँ बैठे पढ़ रहे हैं हमारे पेपर चल रहे हैं, तू इंजॉय कर रहा है, तू बीच पे गया हुआ है सही है, उसको कौन बताया क्या बीच पे हम लोग दोपहर से ख्वार हो रहे हैं शूट कर रहे हैं, हमें एक जो शॉट चाहिए हमें वो मिल नहीं रहा है। अच्छा यही बात मैं कहूँगा, आप तो मेरे जो बड़े भाई हैं मेरे वालिद से भी ज़्यादा मैं उनको समझता हूँ, आपके तो बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने भी मुझे इस चीज़ में हमेशा सपोर्ट किया है, बेटा कौन सा कैमरा चाहिए तू ले ले, कौन सी लाइट चाहिए तू ले ले, एक दूसरा मामू ने उठा के, मामू आपको पता है एक मायानाथ फोटो फैशन फोटोग्राफर रहे, पूरा सेटअप उठा के दे दिया स्ट्रोब लाइट्स वगैरह, मुझे भी आपकी तरह ही इस तरह फैमिली की सपोर्ट जो है करियर में मिली। जबकि आपको इस बारे में आपने चाय पी ली? चाय पी। वैसे चाय के बारे में क्या ख्याल है, मैं कैसी बनाता हूँ चाय? आप बहुत अच्छी बनाते हैं, मुझे शिकवा ये है कि जो चाय बनाता है उसको पीनी भी चाहिए, पीता नहीं हूँ, ये इंसानियत की तौहीन है यार, ये इंसानियत की तारीख की तौहीन है। लेकिन बनाता कितनी अच्छी है, बनाते आप बहुत अच्छी है ना, लोग अपनी बीवियों की चाय छोड़ के मेरी पी लेते हैं, अब ये जिसके लिए बात है ये जिसके लिए हो रही है बात उनकी पॉडकास्ट भी इससे पहले आ चुकी है। तो अब हमारे साथ भी ऐसा हुआ, ये अभी अरीब भाई मेरे भाई ये खड़े हैं, हम लोग बीच पे हम लोगों ने भी शूट किए हैं, कितनी धूप होती है गर्मी होती है मतलब कितना उसमें आपकी हालत ख़राब हो जाती है, और लोगों को क्या लग रहा होता है बीच पार्टी तो कर रहा है, मॉडल्स हैं साथ में तो अबे लड़कियों के साथ है बे। अच्छा ये बड़ा स्टीरियोटाइप है, जब हम मीडिया साइंस में एडमिशन लिया था ना स्टार्टिंग में तो कुछ लोग कहते थे, वो मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा, कुछ लोग थे बड़े करीबी, उन्होंने बोला कि यार मीडिया में क्यों करा दिया अपने बच्चे को, इतनी गंदी फील्ड है उसमें तो ये होता है, उसमें तो लड़कियाँ होती हैं, उसमें ड्रग्स होते हैं, उसमें एक्सेसिस होती हैं, पार्टीज होती हैं। मैंने बोला भाई मैंने तो नहीं देखा अभी तक, मैं तो कर रहा हूँ मैला यार मीडिया के अंदर, तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, मैं किसी एक चैनल पे गया हुआ था एक शूट के लिए जी, वहाँ बाकायदा बाजामात नमाज हुई थी, जैसी करने वाला तो शायद मेरे ख्याल से बाजामात नमाज का इतमाम नहीं करेगा शूट पे, मैं क्यों जिनको नहीं पढ़नी वो तो MBBS में भी नहीं पढ़ेगा नमाज या ऐसी हरकतें करेगा, मैला तो मैला इंजीनियर के पार्टीज नहीं करते या कॉमर्स की फील्ड के जो बैंक मैनेजर्स हैं, क्या उनका हक नहीं है लड़कियों के साथ घूमने का? ये तो इंसान की एक जाति वो होती है इसका। मीडिया से बिला वजह आज तक ये स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि मीडिया के अंदर जो है ना गंदगी है। और जैसा आपने बोला कि चंद लोग जो बोलते हैं कि भाई अच्छा, इसमें मैं बात कंप्लीट करूं जी, उसमें वही लोग जो कहते थे ना कि यार मीडिया तो बड़ी गंदी फील्ड है, और ये आज उनका मेरे पास फोन मैसेजेस आते हैं या अक्सर मैं कोई भेजा करूँ यार मेरा बेटा है उसको जरा सा ना एक्टिंग का बड़ा शौक है, तो ये तुम इतने बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो तो यार कहीं उसको इन तो कराओ। मेरे साथ भी हुआ है ये बड़ा, तो मैं वो मुझसे बड़े हैं तो मैं उनको ये जवाब नहीं दे सकता था कि 4 साल पहले तक ये फील्ड गंदगी थी, आज आप अपने बेटे को उसी गंदगी में उतार रहे हो क्योंकि वो मशहूर हो जाएगा और आपके पास पैसा आएगा उससे। और कपिल भाई ये बात मेरे साथ भी बड़ी बार हुई है और इसकी गवाह मेरी वालदा भी है, ऑब्वियसली नाम नहीं लूंगा करीबी है या दूरी
हैं, क्योंकि शुरू में कि यार ये क्या काम कर रहा है यार, इसमें ये होता है, इसमें फलाना होता है, धमाका होता है, खराब, मतलब वही प्रिसाइजली के खराब काम है। और आज जो है फिर वो वालदा को यार जरा वो फाइज को बोलें कि हमारे बच्चे को जरा शूट करवा दे, कहीं एक्टिंग में करवा दे, कहीं किसी जगह बच्चे की जरूरत है तो हमारे बच्चे को ले लें, तो समझ से बाहर है। अच्छा, जैसे आपने बात कही, वही लोग जो कह रहे हैं कि मतलब शरीफ बहुत ज़्यादा बन के फील्ड में तो लड़कियां होती हैं, तो खुद ही तो तुम लड़की को ऑब्जेक्टिफाई करते हो। लड़की होना इसमें गलत बात क्या है यार? अच्छी बात है। मर्द के शाना बशाना सूट तब तक नहीं बिकेगा जब तक उस पर लड़की का पोस्टर ना हो। क्या क्या नहीं बिकेगा? गुल अहमद का सूट तब तक नहीं बिकेगा जब तक उस पर लड़की का पोस्टर ना हो। सही है, लेडीज ड्रेस पे लड़की का पोस्टर होना स्टार प्लस के ड्रामे में औरत का होना लाजमी है। अगर हम टीवी का एक ड्रामा बन रहा है उसके अंदर कोई औरत नहीं है, सिर्फ चार लड़के हैं, वो कोई नहीं देखेगा। यार वो ड्रामा देखा आपने स्टार प्लस का? वो उसमें ऐसे रस्सी से खींच के चांद नीचे ले आ रहा, चांद आ जाता है, वो रोल हो रही होती है तो वो चार साल तक रोल ही होती रहती है, गिरती रहती है। जवान की बच्ची लैपटॉप धो रही थी। हाँ, लैपटॉप धो रहे हैं, बस क्या बोले, मतलब एक मैं वो बता रहा हूँ, आप लड़की को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो और लड़की खुद ही कर रहे हैं और गलत भी हमें कह रहे हैं। लड़कियों का मीडिया में होना बुरा समझ रहे हो, लड़कियों का एक्टिंग करना बुरा समझ रहे हो। सही है, एक मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं जा रहा, बिल्कुल सही है, मैं रिलीजियस से हटके अभी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है। और आप एंटरटेनमेंट के लिए लड़की को देख रहे हो, वही ख्वातीन या वही मर्द हजरात जो लड़की का मीडिया में आना, मेरी इतनी सारी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं जो मेरे से मीडिया पढ़ती थी, अब वो बापर्दा बाहिजाब बहुत तमीज़ की खतनाई लड़कियाँ थी। सही, उनको मैं बहुत पर्सनली जानता हूँ, बिल्कुल सही है। मैंने तो नहीं देखा कि यार वो किसी गलत एक्टिविटी में। सही है, आप जब एंटरटेनमेंट देखनी है, आपने यूट्यूब खोलना है, आपने सॉन्ग सुनने, आपने मूवीज देखनी है, आपने ड्रामा देखना है, उसमें लड़की है, आप अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तो लड़की देख रहे हो, लेकिन अगर वो कोई लड़की उसको बनाने में मेहनत कर रही है, उसको पढ़ रही है, तो वो बुरी हो गई। क्यों बुरी हो गई? अगर वो लड़की का एक असाइनमेंट है जिसमें उसने रात में 4 बजे शूट करनी है सन्नाटे में, तो वो दिन के टाइम पे कहाँ से वो रात का 4 बजे का सन्नाटा लेकर आएगी शूट करने के लिए? बिल्कुल, उसकी एक रिक्वायरमेंट है ना, हर चीज़ की एक रिक्वायरमेंट होती है। ऑपरेशन करने के लिए बंदे को बेहोश करना जरूरी है, बिल्कुल सही है। अब वो बंदा बोले कि नहीं यार ये बेहोशी की जो दवाई है ये हराम है, अल्कोहल है इसके अंदर, मैं तो बेहोश नहीं हूँगा, ऐसे ऑपरेट कर दो, तो वो कद्दू उसका बाईपास नहीं कर सकते जितना बड़ा डॉक्टर हो वो नहीं कर सकता। जो बात है बिल्कुल, मसला ये है कि लोगों की ज़हनियत, लोगों की सोच में फर्क है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रही है। जहाँ दिख रहा है ना पैसा आ रहा है, आपका वो मफाद जुड़ गया ना, मफाद जुड़ गया बिल्कुल। मैं तुम YouTube के लिए काम कर रहे हो ना, कितना पैसा कमा लिया? मैं कर रहा हूँ, मैं सामने, मैं कराची वाइंस के लिए भी काम कर चुका हूँ, बिल्कुल, मैं बेकार फिल्म्स के लिए काम कर चुका हूँ, मैं अपना 2 YouTube चैनल के लिए काम कर रहा हूँ, अभी उसमें मैंने भी रात में आपके काम किया है। मेरा ये शो था फर्स्ट एपिसोड में, फाइज भाई आप देखेंगे, आप यूट्यूब पर सर्च करें बात, और वो दूसरी भी हमने जो 14 अगस्त वाली वीडियो करी थी। सही है, मतलब ये था कितना 1 रुपया नहीं कमाया ना उससे। हमने क्या किया, हमने अपना शौक पूरा किया है। सही है, हमने अपने स्किल्स इनहेंस किए, काम कर करके हाथ में सफाई आई है। अब ये है कि आप कहीं भी खड़ा कर दो, हम काम कर सकते हैं। और जो कफील भाई मेरा ये शो जो था उसका जो उस पर हमने 1 टका भी नहीं कमाया होगा। हाँ, कुछ भी नहीं, आज तक नहीं कमाया। मेहनत कितनी की थी हमने, हमने एक छत पे, इसी तरह की छत पे हमने पूरा मतलब कोई हफ्ता लगा के पूरा सेट तैयार किया था, उसके बाद जाके उसको शूट किया और हमें मिला कुछ नहीं, लेकिन हमारी स्किल्स इंप्रूव हुई काम, अच्छा काम करने के बाद ना, किसी भी फील्ड में अच्छा काम करने के बाद ना जो अंदर से सेटिस्फेक्शन आती है ना, बिल्कुल यार लड़के तूने ये बड़ा अच्छा काम किया, बस वो चाहिए होता है, बिल्कुल सही है। अब मुझे किसी की अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, मुझे मेरा काम देख के मेरे घर वाले बोलते हैं अच्छा काम है, बस हो गया काम। मुझे कोई बोले यार तू ये करता है, तू करता है यार भाड़ में जाओ, तुम्हारे जेब के पैसों से नहीं करता, अपना पैसा ज़ाया करके करता, मुझे टेंशन नहीं है। मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मेरे अम्मा अब्बा, जब मैं रात को 5-5 बजे तक घर पे से बाहर होता हूँ ना, कल भी बाहर था, आज भी बाहर होऊंगा, और आगे आने वाले भी 1 साल भी बाहर होऊंगा, रात में टेकिन खेल रहे होंगे सही है। घर वाले जो मेरे अम्मा अब्बा हैं, बेगम हैं, सुकून से इसलिए सोते हैं कि उनको पता है कि उनकी तरबियत ऐसी है, बेटा गलत जगह नहीं जाएगा। मैं ना ड्रग्स में इन्वॉल्व हूँ, ना अल्कोहल में इन्वॉल्व हूँ, ना एक्सेसिव में हूँ, ना पार्टीज जाता हूँ। ये वजह नहीं है कि मुझे मिल नहीं सकती या मेरे पास पैसे नहीं है, बिल्कुल एक कॉल पे आ जाएगी, पता कितनी आसानी से हर जगह से अवेलेबल है। ये नंबर ले लेना, अभी जब कट कर लें नंबर, तो कपिल भाई से नंबर ले लेना फिर
डीलर का नंबर तो ये वजह नहीं है कि मिल नहीं सकती, वजह ये है कि यार मुझे अगर घर वाले, मेरी अम्मा सुकून से सो रही है ना रात में, वो इस भरम में सो रही है कि यार मेरा बेटा जब घर आएगा ना तो अपने होशो आवाज में घर आएगा। बिल्कुल, उनको अपनी तरबियत पे यकीन है, उनको अपनी तरबियत। अब जिनके लिए मीडिया फील्ड बुरी है ना, वो अपनी तरबियत पे थोड़ा सा नज़र डाल दें। अच्छा, अब मेरी जो है वो एडिटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, आपको मैं समझता हूँ एडिटिंग का चीता आदमी। नहीं नहीं मैं तो करते बस नहीं सर, नहीं आप मतलब जिस लेवल पे माशाल्लाह काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको और ज़्यादा तरक्की दे। मैं तो, मैं क्या सभी कहते हैं कि यार कफील भाई, भाई अक्सर कहता है कहीं फंसता हूँ यार कफील से बोल दे यार चीता आदमी है वो एडिटिंग का, उससे बेहतर शहर में और तुझे कौन लोगों की मोहब्बत। मेरी एडिटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, तो अब भी यूट्यूब पे कोशिश कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो पहले जब क्रिटिसिज्म आता था ना, इवन पर्सनल मैसेजेस पे भी, तो बड़ा बुरा लगता था यार, दिल दुखता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी मैं नहीं अच्छा कर पा रहा होता। और उसके बाद मैं एंजॉय करता हूँ नहीं, तो फिर मुझे समझाया मेरे मामू ने भी, और फिर मेरे एक और उस्ताद हैं फराज इकबाल साहब, उनका मैं काफ़ी दफ़ा अपने पॉडकास्ट में जिक्र कर चुका हूँ कि यार अगर तो बंदा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा है तो सीखो, और अगर बेकार क्रिटिसिज्म है, मतलब तुम्हारा काम अच्छा है लेकिन फिर भी वो तुम्हारा काम पे बुराई कर रहा है ना, तो एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। कौन सा वो तुम्हारे घर के बिजली के बिल दे रहा है, या कौन सा उसने तुम्हें कैमरा खरीद के दिया है। यार पता है, मैं, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर मेरे किसी काम पे नीचे कमेंट आया है, मेरा जानने वाला है ना अगर वो, और वो कोई बात कर रहा है सही है और मुझे लग रहा है हाँ यार थोड़ी सी सही बात कर रहा है, हाँ जी, मैं उसको फोन करूंगा, मैं उसको बोलूंगा यार तू एक काम कर, मुझसे मिल, मुझे बता मैंने कहा गलत किया है। मैं भी अब यही करना शुरू कर दिया मैंने, पहले मैं ऐसे आपस की बातें मैं थोड़ा दिल पे ले लेता था। अच्छा, शुरू मैं शुरू से दिल पे नहीं लेता, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता मेरे बारे में कौन क्या सोचता है। इससे बहुत सारे लोगों को शिकवा है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते। कफील भाई बात काटूंगा, आपने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, तो मैं ये सोचता हूँ कि KFC मंगा लें यार तेरा वाव बॉक्स से। मंगा लेंगे, बिल्कुल मंगा लेंगे। आज वैसे होस्ट आप है, होस्ट आप है आपका पॉडकास्ट है यार, एक तरह से देखा जाए तो होस्ट आप है क्योंकि लोकेशन आप। मैं तो लोकेशन रेंट आउट करी है ना अपनी यार, मैं तो सर्विस प्रोवाइडर गड़ गए। मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं अपने बिजली दे रहा हूँ आपको, मैं अपनी लोकेशन दे रहा हूँ आपको, सिक्योर एनवायरमेंट दे रहा हूँ मैं फिर वहीं पे आ जाऊंगा, छोटा भाई हूँ ना यार मैं तो। तो यार आगे क्या देखते हैं, मेरे हिसाब से क्या समझते हैं, मेरी फोटोग्राफी तो देखी हुई है यार। तुम अच्छा है, देखो काम, मैं बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं यार इसका काम अच्छा है इसका काम बुरा है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, काम इसका भी अच्छा है, काम इसका भी अच्छा है, इसका ज्यादा अच्छा है इसका कम अच्छा है। थोड़ी सी जहनियत चेंज कर लेना बंदा, अगर इसको मैं बुरा बोलूंगा ना सही है, तो इसका जो है ना वो डिमोटिवेट होगा, मोरल डाउन हो जाएगा, मोरल डाउन होगा, वो बोलेगा नहीं यार मैंने इतनी मेहनत करी है, क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से मेहनत 100% करता है, कोई ये नहीं चाहता कि मेरा काम अच्छा ना हो। बिल्कुल सही है, हर बंदा बोलता है मेरा काम अच्छा हो, उसको उसका 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसका 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो जो 3 साल का गैप है ना वो दोनों के काम में भी नजर आएगा। सही है, तो मैं अगर किसी से कोई बात कर रहा होता हूँ ना सही है, तो मैं उसको कभी ये नहीं बोलता, और मैं आगे मैं फील्ड में भी जो मेरे दोस्त हैं जो मेरे सीनियर्स हैं जी, मैं अक्सर उनको बोल देता हूँ ये चीज़ कि आप जो है ना इस तरह से जी जी आप जो है ना इस तरह ना बोला करें किसी को कि यार तूने ना बहुत अजीब सा काम किया या ये क्या काम किया, आप उसी बात को आप इस तरह कह दें कि आपका काम जो है ना थोड़ा सा कम अच्छा है। सही है, या उसका काम देखो तुम्हारा काम में ना थोड़ा फर्क है, तुम थोड़ी मेहनत करोगे ना उसके लेवल तक पहुंच जाओगे, या बता दो कि तुम्हारा काम कम अच्छा है क्योंकि इसमें ये कमी है, हाँ, फलाना कमी है और तुम इसको इस तरह बेहतर कर सकते हो। उसको उसकी अगर 10 में से 7 चीजों में गलती है ना सही है, उसकी पहले 3 चीजों की तारीफ करनी चाहिए, यार तुमने ये 3 चीजें तो ये तो बहुत बात, बिल्कुल ये फ्रेम बहुत अच्छा था, ये लाइट बहुत अच्छी थी, इसको थोड़ा सा तू राइट साइड लगा लेता तो तेरा ना और अच्छा हो जाता, ये फ्रेम ना थोड़ा क्लोज कर लेता तो थोड़ा और अच्छा हो जाता, ऑडियो में ये ताला मसला था अगली बार से ट्राई करियो नहीं किया। अब उसको क्या हुआ, उसकी किसी चीज़ की बुराई नहीं हुई, उसको नजर उसको समझ में आ गया, आपने उसको समझा भी दिया, आपने उसको बता भी दिया कि आप इम्प्रूवमेंट किस तरह कर सकते हैं। जैसे अभी ऑडियो लेवल्स वाले मेरे पिछले वीडियोस में मसला आ रहा था ना, तो वो आपने मुझे मैंने इसी तरह बताया ना कि यार मैंने कोई बुराई नहीं करी कि यार बहुत बुरी ऑडियो है, मैंने ये बोला इसको ना इस तरह कर लो, वो मैंने
इज्जत से सुना और मेरा काम हो गया, मैं बुरा भी नहीं लगा मुझे। हमारे फील्ड में या बहुत सारी और भी फील्ड में, मैं सिर्फ एक मीडिया की या किसी और की बात नहीं कर रहा, लोगों में ये बड़ा होता है कि यार ये क्या किया है। अभी भाई आप होते कौन, आपको पता ही नहीं है कि वो उसमें मेहनत कितनी है और इनपुट कितना है उसका। यार उसने अगर आप एक काम एक घंटे में कर सकते हो ना, उसने 6 घंटे में किया है, तो आपका लेवल 10 साल का एक्सपीरियंस का है, सही है, उसका अभी शायद साल भर का भी नहीं है ना, सही है, तो वो 10 घंटे लगाएगा उसमें, बिल्कुल लगाएगा, क्योंकि जब आप उस लेवल पे तो आप भी लगाते थे, लोग अपना पास भूल जाते हैं, बिल्कुल, ये भाई मैं भी तो इतना टाइम लगाया है कभी, बिल्कुल। अच्छा कफील भाई, अभी यहाँ आने से पहले आपने मुझे मैसेज किया था, आपने कुछ रेफरेंसेस भेजे थे मुझे फोटोग्राफी, हम लोग मेरे स्टूडियो में शूट करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक, और आज हफ्ते का दिन है, तारीख मेरे ख्याल से 12 तारीख है है ना? मुझे तारीख अब जब से स्कूल छोड़ा है ना, अब से याद नहीं रहता। अरीब भाई तारीख क्या है आज? 12 तारीख है ना, तो इंशाल्लाह हम लोगों का प्लान है कि नेक्स्ट वीक हम एक वो थीमेटिक शूट फोटो शूट करें, तो हमें चाहिए उस तरह की या उस तरह का मेकअप आर्टिस्ट है, तो वो भी अगर हमें कोई मिल जाए, देखें अगर, या अगर हमें कोई मॉडल भी मिल जाए। मॉडल तो देखो हम खुद कर लेंगे, नहीं है जरूरत किसी की। हाँ ये बात भी है, ये बात भी सही नहीं है, हम खुद कर लेंगे, क्योंकि होना यही चाहिए कि यार बंदा बोलेगा नहीं, मैं पहले खुद तो ट्राई करें करके, हम गलत क्या कर रहे हैं, पहले खुद ट्राई करें कि हम गलत क्या कर रहे हैं, फिर हमें पता चलेगा कि यार हाँ नहीं अब ये हमारे काम है या नहीं है, पहले ट्राई तो एक दफा एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए पहले। नहीं मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि अगर इन केस अगर कोई आना चाहे आ जाए अच्छा उसका पोर्टफोलियो बन जाएगा हमारा भी काम हो जाएगा एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट यही बात करने का मकसद यही है कि हम लोग मतलब हर चीज लाजमी नहीं है, देखो काम तो पैसे के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग अपने काम में अक्सर चीजें एक्सपेरिमेंटल भी कर रहे होते हैं, ताकि उससे हम अपनी क्रिएटिविटी एनहेंस कर सकें, उससे हम और ज्यादा डिटेल्स को एक्सप्लोर कर सकें। यही बात है एग्जैक्टली ना, कि यार आपने जैसे मुझे रेफरेंसेस भेजे, तो उसमें उसने फलाने ने फोटोग्राफर ने लाइटिंग कैसे की है, मेकअप आर्टिस्ट ने काम कैसा किया है, वार्डरोब वाले ने क्या काम किया है, उस चीज़ को हम समझ सकें, या हम अपने पर्सपेक्टिव से। अरे भाई क्या कर रहे हैं आप, ये अलग ही DOP चल रहे हैं अभी ना आईफोन के, तो वही ना कि फलाने ने इस पर्सपेक्टिव से काम किया है, अब वही काम तुम अपने पर्सपेक्टिव से कैसे कर सकते हो, ये एक आर्टिस्ट का अपना दिमाग होता है। यही अच्छी चीज़ है कि आपको ना हर चीज़ अपने पर्सपेक्टिव से देखनी चाहिए। बिल्कुल। एक अगर मैं एक पेंटिंग बना रहा हूँ ना, सही है, वो मेरा आर्ट है, अब वो सातकैन भी आ जाए ना तो उसको कॉपी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है, सातकैन भी आ जाए, गुलजी आ जाए, कोई भी आ जाए, डेविंची आ जाए, जो मेरी चीज है ना वो मेरी चीज है। बिल्कुल। तो अब लोग कंपैरिजन जो करते हैं ना, यार उसने अच्छा किया था, जो कंपैरिजन करते हैं ना लोग, उसने अच्छा किया था, तुम्हारा अच्छा नहीं है, यार उसका भी अच्छा था, तुम्हारा भी अच्छा है, क्योंकि ये उसका आर्ट है। बिल्कुल। और आर्ट कभी कॉपी नहीं हो सकता। यार अपन लोग इतनी मतलब मेहनत कर रहे होते हैं, लाइटें लगा रहे हैं, कैमरा सेट कर रहे हैं, फ्रेम बना रहे हैं, यहाँ से लाइट बाउंस करानी है, फलाना जगह जेल पेपर लगाना है, तो ये तो वो, ये मेहनत एक जगह हो गई और एक जगह क्रिंज कंटेंट बन जाता है। अब मैं देखिए मैं बनाने वाले को गलत नहीं कह रहा, मैं उसकी मर्जी, बात करें मैं बोलूंगा बनाने वाले को गलत नहीं, देखें उसके पास वो उसका फोन है, उसके पास एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अब वो उसके ऊपर भले से यूं करके बात करे या वो बोले 3-2-1 पिल्ले या वो कुछ भी करता रहे, लेकिन ऑडियंस क्यों उसको इतना ज्यादा वो कर देती है। यार ऑडियंस पता है क्या सीन है, ऑडियंस जो है ना, हम लोग कहते हैं कि यार कंटेंट अच्छा नहीं बन रहा, सही है, कंटेंट जो है ना हर तरह का बन रहा है, ऑडियंस जो है ना वो डिपेंड करता है कि क्या देखना चाह रहे हैं। एक मोरो भाई है, मोरो भाई यार मैं उस बंदे का यार, उस जैसा बंदा रिसर्चर, उस जैसा यूट्यूबर पाकिस्तान में नहीं है। उदाहरण उनके आते हैं मोरों के ख्यालात, एक सेशन होता है, इसके अलावा पॉडकास्ट होते हैं, आप जाके उस पे व्यूज देखें ना, 800 के, 900 के, 500 के, एक टिकटॉकर हैं। हाँ, अब अरे ओ टिकटॉकर का नाम लिया मैंने, और ये मतलब कैसे आपने क्रू मेंबर रखे हैं अपने? नहीं क्रू मेंबर नहीं, ये आपने जो नाम लिया है ना ये उसकी समझ ले नहुसत है, ये बंदे का कसूर नहीं है,
चला खैर ये थोड़े असरात हो जाते हैं। स्पीकिंग ऑफ मूरो भाई, तैमूर सलाउद्दीन साहब यार बड़ा हम्बल आदमी है। 2012 की बात है, वो उस वक्त भी मशहूर कम नहीं था, ठीक है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। मैंने उनसे स्नैपचैट पे मैंने उनसे सवाल किया कि मोरो भाई आप इक्विपमेंट क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। उस बंदे ने तफसीली मुझे 2 वॉइस नोट भेजा और तकरीबन दोनों वॉइस नोट जो है ना, ईच वॉइस नोट वो कोई 3-4 मिनट का था। उसमें मुझे पहले तो उन्होंने मुझे कहा कि फाइज तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है, वरना लोग तो अजीब अजीब से ही सवाल करते हैं। उन्होंने एक तो पहले मेरी तारीफ़ की और फिर उन्होंने एक एक इक्विपमेंट बताया। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुमसे कभी तफसीली मुलाकात हुई, वो उस वक्त कराची में रहते थे, तो मुलाकात का अगर मौका मिला तो मैं तुम्हें और भी तफसील से समझाऊंगा, यहाँ पे मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो जगह ही नहीं पता है। बोलने का मकसद ये था कि एक मैं ऑडियंस पर हम बात कर रहे थे ना, मोरो भाई बनाते हैं ये, वो इतनी ज़बरदस्त वीडियोज होती हैं, तो ये इतनी इंफॉर्मेटिव होती हैं, एजुकेशनल होती हैं। जहाँ उन्होंने फ़नी एलिमेंट डालना होता है वो फ़नी एलिमेंट डालते हैं, जहाँ उन्होंने एजुकेशन बांटनी होती है ना वो एजुकेशन बांटते हैं, वो बहुत डिटेल्ड होती हैं, रिसर्च होती हैं। लेकिन उनकी कितनी ऑडियंस है, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, बस यही तो कपिल भाई प्रॉब्लम है। अच्छा मैं अभी यहाँ से मोबाइल उठाऊँ, 3, 2, 1, ये जरा सी मैं आवाज़ लगाऊँ, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन। और फिर आपको अगर मैं या कोई और बुलाए और जलील करने के लिए बुलाए 1000-1500 रुपए के लिए, उनको पता जलील होने के लिए जा रहे हैं ना, 1000 रुपए मिल जाएंगे यार, मतलब आपकी कोई बिल्कुल फैक्ट ही नहीं है। आप आएंगे आगे करेंगे, उसके बाद फिर जब सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म आएगा कि यार तुमने जलील कर रहे हो उसको, वो भले से जो भी है, तो फिर दोबारा बुला के या इसने मुझे जलील किया था, आज मैं इसको नहीं समझूंगा। चैनल्स हो गए या कुछ यूट्यूबर्स हो गए, वो उनका यही है कि वो आप देखते हैं कि मैं एक चैनल का नाम नहीं लूंगा, एक चैनल का नाम नहीं लूंगा, उसमें बस जरा सा कोई पत्थर उठा के साइड में रख देना, उनकी होस्ट उसको बुला लेती है गेस्ट। बिल्कुल तो वो मतलब बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल यही है, बिल्कुल वो। अगर आपको याद हो बचपन में कार्टून आता था पावर पफ गर्ल्स, ऐसे उनको मशहूर किया जाता है, सही है। और जो है ये अनप्रोफेशनल लोग आपने रख दिए, वॉइस नोट सुन रहे हैं, शूट चल रही है, वॉइस नोट चल रहे हैं यहाँ पे यार, थोड़ा सा कुछ फिर डिस्को इसको अभी इंतजाम कर लेते हैं। मैं बात कर रहा था पावर पफ गर्ल्स की, आपने उनकी बात की ना, तो मुझे उससे याद आया पावर पफ गर्ल्स में जो प्रोफेसर थे वो भी फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला एक्स, ये बहुत अच्छा रेफरेंस है। तो मेरा मकसद बोलने का ये है कि कंटेंट जो है ना वो ऐसा होना चाहिए कि आप बनाने वाला बुरा ना हो, देखने वाले की चॉइस अच्छी या बुरी होती है। वही तो, देखने वाले का जो क्राइटेरिया है वो इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो जो है बगैर किक मारे बाइक स्टार्ट करता है और जो वो तीसरे में दुम करता है, चौथे में दुम करता है, तो उसको जो है अगर आप 4-4 मिलियन की व्यूज देंगे तो जाहिर सी बात है तो फिर वो बनाएगा ना। कोई मसला नहीं है यार, वो बनाए, उसके पास फोन है, उसके पास कैमरा है, उसके एप्लीकेशन है, बनाए। मुझे बहुत सारे चीज़ों में इख्तलाफ है, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अच्छे बड़े नाम है, कराची वाइंस दी डियर्स हो गया और काफ़ी हो गए, ये लोग 8-10 साल की मेहनत करके अभी तक क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं, ये लोग क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ नए यूट्यूबर्स आए, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, सही है, जहाँ तारीफ करनी चाहिए वहाँ नाम लेना चाहिए, बिल्कुल, जहाँ तनकीद हो वहाँ नाम नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल, तो पर्दापोशी होनी चाहिए। लेकिन लोग समझ जाते हैं क्योंकि वो अब वो किसी अपनी बेगम के साथ जा रहे हैं, उसकी वीडियो बना रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में बेगम एडमिट है तो उसकी वीडियो बना रहे हैं, ऐसे कोई खानदानी के ताल्लुकात चल रहे हैं उसकी वीडियो बना रहे हैं, वो उम्रे पे गए हैं उनकी बेगम हॉस्पिटल में एडमिट है, वो रो रो के वीडियो बना रहे हैं और उसको डाल रहे हैं। फिर कल को जब वो कोई बाहर का बंदा ना उनके घर वालों के बारे में कुछ कहेगा ना तो आपको बुरा लगेगा, सही है। जब आप ये, लेकिन आप अभी ये नहीं फिर जब कोई आगे से फिर बोल नहीं सकते तुम कुछ, आप अभी ये नहीं सोच रहे कि मैं इनको घर में भी तो खुद घुसा रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल मैटर्स, मैं अपनी वाइफ का मेडिकल चेकअप के लिए जा रहा हूँ, वो दिखा रहे हैं यार, क्यों दिखा रहे हो, तुम्हारे ये दूसरे का क्या, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो दिखा रहे, ये चीजें बड़ी प्राइवेट होती है। अच्छा इस पे भाई मिलियन मिलियन व्यूज है ना, वो मतलब यार मेरी और मेरी वाइफ का एक ताल्लुक है ना, उसका मेरे घर वालों से ताल्लुक है यार, मेरे 1 मिलियन लोग बाहर रोड पे घूम रहे हैं और मुझे आके कोई बोल दे, आपको आके कोई बोल दे यार वो आपका कौन सा मन चल रहा है, तो आपकी तो हड्डी है कि सुलग जाएगी, आपकी वाइफ का कौन सा मन चल रहा है, आपकी तो सुलग जाएगी, लेकिन आपने बताया है ना उसको यार,
वीडियो देख के आया वो, उसने है? दो महीने पहले वीडियो देखी थी, उसमें चौथा महीना था अभी, अपने छठा तो चल रहा होगा अभी, उसने तो छाप लगा लिया। फिर आपको बुरा लगना जायज नहीं है, फिर आपको बुरा लगना चाहिए, आपने बताया जो बात है, आपने दुनिया को बता रहे हो। तो ये वाली चीजें नीचे कमेंट्स आ रहे होते ना कि यार आपने पिछला प्रोसेस तो नहीं दिखाया, वो भी दिखाया, आपने इतनी अच्छी बात किया, आतिशबाजी हो रही है भाई। बस क्या करें, कुदरत का निजाम, कुदरत जो बात है भाई, क्या कह दिया। कहां से कंक्लूड करेंगे कफील भाई, अरीब को भी देर हो रही है बेचारा, अरीब बेचारा ऐसे घूम रहा है, कोस रहा है ये मुझे, कोस रहा है मुझे अरीब को यार, दिल ही दिल में कोस रहा है। बड़ी माजरा था आपके साथ, कोई मसला नहीं, चल 10 मिनट चल ठीक है, और लंबी कर दे, आई लव यू यार। कंक्लूजन में क्या करूं, कंक्लूजन बनता नहीं है कोई, मेरे हिसाब से ना कोई कंक्लूजन नहीं बनता अभी, ये जितनी चलती जाए चलती जाए, क्योंकि पता है सीन ये है कि क्रिंज कंटेंट भी बनता रहेगा क्योंकि उसको देखने वाले लोग हैं। बिल्कुल, अच्छा कंटेंट भी बनता रहेगा, उसको देखने वाले लोग हैं। तादाद में फर्क है, रेशो क्रिंज का रेशो ज्यादा है, क्रिंज का ज्यादा है, देखना है और फिर बुराई भी करनी है। मसला ये है ना, लोगों को सीखने का शौक नहीं है, क्योंकि जिस कंटेंट की आप बात कर रहे हैं ना कि जिसका देखने का रेशो कम है, उसमें सीखने को बड़ा मिलता है। जुनैद अकरम ने अभी ना एजुकेशनल वीडियो शुरू करी है, उसने प्रोफेसर हायर करे अच्छी यूनिवर्सिटीज के और अच्छे कोर्सेज के, सही है, आप देखिएगा उसके कितने व्यूज होंगे। बिल्कुल, जहाँ जुनैद अकरम तफरी कर लेना, एक डक्की भाई को उठा लें आप, एक जुनैद अकरम को उठा लें, जुनैद अकरम की वीडियोस के अंदर इंफॉर्मेटिव कॉमेडी होती है। बिल्कुल, और आप एक डक्की भाई को उठा लें, दोनों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ना, हमारा मैं नाम खुला ले रहा हूँ, सही है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मसला ये है ना, ले रहे मेरे चैनल पर कोई मसला नहीं, नहीं मुझे मसला नहीं है, मुझे जानते जो बात है, तो वो एक किसी रेफरेंस से मुझे फोन करते तो अलग बात है लेकिन मैं उनको भी यही बोलूंगा कि भाई मेरा ही अपना ओपिनियन है और ये कि चैनल की पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है। नीचे आपको टिक रहते भी फ्रीडम ऑफ स्पीच यार, और कोई मतलब बोल के लब आजाद है तेरी, ये कहता क्या, ये देखो ना मैं खुद इतना क्रिंज हो रहा हूँ यार, ये क्रिंज हमारे अंदर कहीं से कहीं तो आ ही जाता है यार, क्रिंज कहीं, देखो फन एलिमेंट अलग चीज है, हाँ होता है, हम अपने दोस्तों यारों में बैठ के भी क्या कहते हैं उसको, मैलापन करते हैं, मैलापन, हाँ वो वही ना कि मौका महल वो एक बाउंड्री है, मेरे चार दोस्तों की एक बाउंड्री है, मैं उसमें सारे मैलापन कर सकता हूँ, जब मैं बाहर जाता हूँ ना मैं वो मैलापन नहीं कर रहा। एग्जैक्टली सही है, तो यही है, तो आप जब कैमरे से बात करो ना, ये कैमरा जो है ना ये पूरी दुनिया में दिखाएगा हमारे, बिल्कुल, तो मैं अपने, मैं दुनिया को, मैं जो बाइडन को क्यों बताऊँ कि मैं कितना मैला हूँ, जो बात है, वैसे देखना तो नहीं है जो बाइडन ने इसको, लेकिन क्या पता भाई, यही बात है। तो मेरा ख्याल है कि यहीं पे हम इख्तिताम करते हैं, वरना इस बच्चे की बद्दुआएं लगेंगी हमें, हाँ, ये फिर अपलोड नहीं होगा, ये अपलोड हो गया, पता नहीं सिर्फ 4-5 व्यूज आ जाएं, वैसे भी ज्यादा नहीं आते, दुआ करें भाई चैनल हमारा भी ग्रो करे, बस टाइम दो, एक चीज कंसिस्टेंट, टाइम तो आपके सामने, सुबह से निकला हुआ हूँ, ये मेरी दिन की तीसरी शूट है, यही मेहनत होती है, मैंने बहुत सारे लोग देखे जिन्होंने 4-4 5-5 साल काम किया, आज से 7 साल पहले था भाई, 2016 मैथ बहुत अच्छी है हमारी, तुझे क्या करना है, 15 था अबे करना क्या है यार, देखो बीच में पॉडकास्ट खराब करके वजह नहीं बता रहा, कैप्शन वाला भाई चल भाई, हम बस इसको समाप्त करते हैं, होस्ट वैसे ही हैं, तो आप करेंगे, तो यार देखें मैं यही कहूँगा कि माशाल्लाह एक इंतहाई एक्सपीरियंस इंसान, जिनसे मैं ख़ुद भी सीखता रहूँ और मैं ख़ुद भी इम्प्रूव कर रहा हूँ और करता रहूँगा, इनसे भी सीखता रहूँगा, और कोशिश हुई अगर तो ये भी मुझसे, कफील भाई भी कई बार कह चुके हैं कि इनको भी मुझसे कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है, जिस पर मैं बड़ा किसी से भी मिल सकता है, ऑनर्ड फील करता हूँ यार। तो बात यही है कि थोड़ा अपना क्राइटेरिया आवाम को बढ़ाना चाहिए सोचने का, जहाँ सीखने को मिल रहा है उस कंटेंट को ज़्यादा देखें, बाकी बनाने को कोई कुछ भी बनाए, हमें जब देखना छोड़ देंगे ना बनना भी बंद हो जाएगा। अभी फिर हेड ऑफिस से कॉल आ रही है, हेड ऑफिस से कॉल आ रही है, इसको समाप्त करें, ताकि हेड ऑफिस से कॉल आ रही है, अगर ये कॉल नहीं उठाई तो फिर अगले शो में शायद कफील भाई को इजाज़त ना मिले हमारे साथ बैठने की, तो अब अरे भाई कट नहीं करना, रुक जा बात तो करने दे, ये अरीब भाई को बड़ी जल्दी है भाई, ये वैसे ही मुझे गालियां देंगे अभी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये,
और आगे भी अगर अब तक आपने ये देखी है तो आपका बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी। बाकी और अगर किसी कुछ अलग कंटेंट के लिए किसी के पास कोई आइडिया है तो वो भी प्लीज़ मुझे देना यार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरा भी स्टार्टअप है, पुराना चैनल डिलीट हो गया था, नया शुरू किया, मैं फिर से लंबी कर रहा हूँ, पता नहीं मैं क्यों लंबी कर रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट करता हूँ फाइव के चैनल पे, अपने पे आप, ठीक है, कि कोई भी ऐसा बंदा जो चाहता है कि आवाम को इन्फ्लुएंस करे इस पॉडकास्ट पे, मोस्ट वेलकम। हाँ, ये बात बिल्कुल इन्होंने 100% कही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी भी बात से, आपके प्रोफेशन से या किसी भी चीज़ से आप समझते हैं कि लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं या एजुकेट हो सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें पेज पे और यूट्यूब चैनल पे, और यू आर मोस्ट वेलकम। हम लोग साथ में शो करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे। तो जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।